हे गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है दिव्या, ब्यूटी टिप्स दिव्या मेरा चैनल का नेम है। मैं आज आपके साथ एक कंपैरिजन वीडियो लेकर आई हूँ। ये स्ट्रिक्स के दोनों हेयर सीरम है, जो कि दोनों ही जो है मैंने यूज किए हैं, रिव्यू शेयर किया है। दोनों ही जो है मैंने कहा है कि बाय कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बट कन्फ्यूजन क्या है कि आपको खरीदना एक ही है। तो ये एक कंपेरिजन वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन दोनों में से मुझे कौन सा लगा अच्छा, या फिर इन दोनों के बारे में इस तरीके से डिटेल बताऊंगी ताकि खुद आप क्लियर हो जाओ कि कौन सा वाला आप जो है खरीद सकते हो या खरीदना चाहोगे। इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो दोनों पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हैं, आप जो है पॉज करके इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हो। और गोल्डन वाले की बताऊं तो ये जो है हेयर सीरम, इन्होंने बैक साइड मेंशन कर रखा है कि आपके बालों को नरिश करता है, और ये आपके बालों को स्मूदन करता है, और ये आपके बालों को शाइनी और मैनेजेबल रखता है ऑल डे के लिए। और ये जो है ब्लू वाला है, तो ब्लू पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये जो है हेयर सीरम, ये आपके बालों को नरिश करता है, फ्रीजीनेस को कम करता है, और यही नहीं बल्कि ये आपके बालों को मॉइस्चराइज रखता है, स्मूदन करता है, टैंगल फ्री रखता है। और अगर आपके ड्राई या अनरूली हेयर हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये आपके बालों को तुरंत जो है आपके बालों की ड्राइनेस और अनरूली हेयर को मैनेजेबल कर देगा। आपके हेयर को जो है ये प्रोटेक्ट करता है सन डैमेज से हो या फिर हीटिंग टूल्स से हो, ये दोनों तरीके से आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो है अगर आपके बाल कलर ट्रीटेड हेयर हैं आपके, तो भी ये जो है बहुत परफेक्ट है, सुटेबल है, आप इसे यूज कर सकते हो। प्राइस दोनों के लगभग सेम ही मिल जाएंगे, बट ये जो है ब्लू वाला ये 260 का एमआरपी और ये 210 का, बट ये डिस्काउंट के साथ मैंने पर्पल पे दोनों पर ही जो है डिस्काउंट मिला था, तो ये कम में पड़ गए थे। तो और दोनों की शेल्फ लाइफ जो है आपको मिलती है 3 साल की, और दोनों ही जो है 100 ml पैकेजिंग में आपको मिल जाएंगे, और इनकी फोटो 45 ml की भी पैकेजिंग मिल जाएगी। तो ये डिटेल्स हो गई। और आप देख रहे हो ये जो है दोनों ही प्लास्टिक बॉटल में है, ट्रांसपेरेंट है, आप इनमें देख सकते हो। प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको दिख रही होंगी, और दोनों ही जो है बिल्कुल जैसे वाटर होता है ना, वाटर कलर बेस्ड है इन दोनों का ही, कुछ भी इसमें कलर नहीं है। ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखला देती हूँ। तो ये जो है गोल्डन वाला है और ये जो है ब्लू वाला है, तो कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा जो मैं इसमें मेंशन करना चाहती हूँ कि जो कंसिस्टेंसी ना ये यहां तक पहुंच चुका है और ये अभी यहां तक है। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना ये लिटिल बिट थिक है, ब्लू वाला जो है लिटिल बिट थिक है, गोल्डन वाला थिन है अकॉर्डिंग टू ब्लू। तो दोनों ही जो है काफी इस तरीके की शाइनी कंसिस्टेंसी में आते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, अब आप देख लीजिए डेमो वीडियो। हे गाइस, आप देख रहे हो, अगर आपने कभी चिड़िया का घोंसला नहीं देखा या झाड़ू नहीं देखी या झाड़ नहीं देखे, तो आप मेरे बालों को इस वक्त देख सकते हो जो हालत है मेरे बालों की, कितने ज्यादा ड्राई फ्रीजी रफ से हैं। और यही नहीं, ये देखिए टैंगल्स कितने ज्यादा हैं दोनों ही साइड, ठीक है, और ड्राई बाल हैं तब भी। और मैं हेयर सीरम जो अप्लाई कर रही हूँ वो स्ट्रिक्स के ही हैं, दोनों ही सेम ब्रांड के हैं। और इन हेयर सीरम को मैं इस डेमो वीडियो में कंपैरिजन करके दिखला रही हूँ कि दोनों को यूज करने से बालों के टेक्सचर को कितना ये इम्प्रूव करता है। तो ये दोनों बालों को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। वन साइड में गोल्ड वाली पैकेजिंग लगा रही हूँ स्ट्रिक्स की, जो कि हेयर सीरम वाइटलाइज विद वॉलनट ऑयल, ये हेयर सीरम है, ठीक है, जो कि आपके बालों को पॉलिशिंग करता है, स्मूदनिंग करता है, और आपके बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की करता है। और सेकंड साइड में लगा रही हूँ, अभी देख लीजिए आप डिफरेंट, ठीक है ना, सेकंड साइड में लगा रही हूँ ये वाला ब्लू वाला स्ट्रिक्स का प्रोफेशनल विटाइज ग्लॉस हेयर सीरम, जो कि आपके बालों में हाई ग्लॉस प्रोवाइड करता है, सिल्की स्मूथ फिनिश देता है। इसमें जो है विटामिन ई, मैकाडेमिया ऑयल भी है, और आलमंड ऑयल, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो सिमिलर आपको दोनों में ही मिल जाएंगे, विटामिन ई दोनों में ही है, ठीक है ना। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने हेयर सीरम अप्लाई कर लिया, और अब बालों का टेक्स्चर तो इम्प्रूव हो ही चुका है हेयर सीरम अप्लाई करने से। अब बारी आती है टैंगल्स का चेक करने का। तो ये देखिए ये गोल्ड वाली साइड है जहां पर मैंने हेयर मैं अप्लाई किया था, और ये देखिए छोटे वाले दांतों से भी मैंने जो है यूज किया है, लेकिन इजिली टैंगल्स रिमूव हो गए। बट आप जो बड़े दांत वाली साइड से जो है टैंगल्स रिमूव करें तो ज्यादा सही रहेगा, तो हेयर लॉस ज्यादा नहीं होगा। और सेकंड साइड ये ब्लू वाली है, तो यहां पर देख लीजिए आप टैंगल्स इसके भी जो है इजिली रिमूव हो गए हैं अच्छे से, और कम्ब फंसा नहीं, बहुत इजिली रिमूव हो गए। बट इस वक्त मुझे जो है हेयरफॉल चल रहा है, तो मेरा हेयरफॉल तो हुआ था, अभी मैं लास्ट में आपको हेयरफॉल भी दिखलाऊंगी कितना हुआ है मुझे। और ये देखिए आप बालों का टेक्सचर इम्प्रूव हो गया है, टैंगल्स रिमूव हो गए हैं, और हेयर सीरम जो है आपके बालों को सॉफ्ट शाइनी सिल्की बनाता है, प्रोटेक्ट भी करता है हीटिंग टूल्स सन डैमेज से भी, तो काफी सही रहता है। हेयर सीरम अप्लाई करना चाहिए, और ये हेयर लॉस था। और आप बताइए क्या डिफरेंस आपको नजर आया। अगर आपने ठीक से डेमो देखा हो तो जो गोल्ड वाली साइड थी हेयर सीरम की, वहां के जो बाल थे लिटिल बिट कम थे शाइनी अकॉर्डिंग टू ब्लू, क्योंकि ये आपके बालों को हाई ग्लॉस प्रोवाइड करता है, ये जो है आपकी फ्रिजनेस को ज्यादा कम करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक है।
और ये वाला थोड़ा सा थिन है, इस वजह से जो है ये वाला आपके बालों को इतना ज्यादा शाइन नहीं किया इसके अकॉर्डिंग, और ना ही इतना ज्यादा आपके बालों की फ्रिजनेस को कम किया। बाकी लेकिन हाँ, दोनों के रिजल्ट की बात करूं तो ये जो है आपके बालों को दोनों ही जो है डिटेंगल करते हैं। आपने देखा ये हीटिंग प्रोटेक्टर दोनों ही हैं, आपके बालों को दोनों ही जो है हीट से प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये दोनों ही सन डैमेज से आपके बालों को प्रोटेक्ट करते हैं। बट सिर्फ जो डिफरेंस मुझे देखने को मिला वो यही मिला कि ये जो है आपके बालों को ज्यादा शाइनी एंड ज्यादा अच्छे से मैनेजेबल करते हैं आपके बालों को, यानी इसकी क्वांटिटी बहुत कम लगने वाली है। अगर आप इसकी क्वांटिटी लोगे ना तो इसके अगर 2 ड्रॉप्स आपको लगते हैं तो इसके जो है सिर्फ आपको 1 ड्रॉप ही काफी रहेगा, तो इतना डिफरेंस है इसमें। और मुझे यही डिफरेंस इसमें नजर आया, और मेरा जो पसंदीदा है स्मेल वाइज भी कहूं तो स्मेल भी इसकी ही मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसकी ज्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे गोल्डन वाले की स्मेल। बट अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है और मेरा पर्सनल आप फेवरेट पूछ रहे हो तो मेरा पर्सनल फेवरेट यही है ब्लू वाला मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा हर तरीके से, क्योंकि मेरे जो है काफी ज्यादा बालों में ना ड्राइनेस रहती है, फ्रीजी बहुत ज्यादा रहते हैं मेरे बाल, तो मुझे जो है ना थोड़ा सा हाई ग्लॉस बालों में चाहिए रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ना ये वाला बहुत ज्यादा परफेक्ट लगता है। इसको यूज करना भी बहुत आसान है, दोनों को यूज करना आसान है, बट ये वाला यूज करके इंस्टेंट जो रिजल्ट मिलते हैं और ये जो है लॉन्ग टाइम तक के लिए चलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है तो ये लॉन्ग टाइम चलता है, कम क्वांटिटी लगती है और ये हाई ग्लॉस भी जो है हाई ग्लॉस ही आपके बालों को करता है, तो हर तरीके से मुझे ना ये वाला परफेक्ट लगता है। बाकी दोनों ही परफेक्ट हैं, बट मेरी पर्सनल चॉइस ये है, और मैंने कुछ पॉइंट्स भी बताए जिससे कि आपके कंफ्यूजन क्लियर रहे और आप भी खुद आइडिया लगा सकते हो कि हाँ दोनों में से कौन सा वाला अच्छा है। मैं ये वाला आपको अगर बाय करना है तो ये वाला सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला बाय कर सकते हो डेफिनेटली, अदरवाइज दोनों ही बहुत बढ़िया है, दोनों ही आप यूज कर सकते हो। और ये था मेरा इसको लेकर रिव्यू, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय गाइज।